अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो पेट में दर्द होता है, ठीक है, उसके बारे में। और सऊदीया में, दुबई में हमें कौन सी मेडिसिन है जो हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती है, ठीक है? OTC प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, कौन सी मेडिसिन है जो हमें फ़ायदा देती है, ठीक है? तो आज मैं बात करूँगा जी उनके बारे में जो आपको ईजीली मिल सकती हैं हर फार्मेसी से। पहले नंबर पर है जी ये वाली बस्कोपान है, ठीक है। ये आती है मेरे ख्याल से 12 रियाल की, ठीक है। लेकिन ये आपको मैदे की दर्द और होती है और पेट की दर्द और होती है। मैदे की दर्द जो आपको होती है वो सीने में होती है, ठीक है, इधर आपकी जो पसलियाँ हैं इसके दरमियान में होती है। लेकिन जो पेट का दर्द होता है वो आपको नाफ के हिस्से में होता है, नाफ के हिस्से में, जिसे कोलोन भी कहते हैं, ठीक है, इस हिस्से में होता है। तो ये आपके पेट के दर्द के लिए आपने इसको खाना कैसे है कि हर खाने के आधे घंटे बाद एक गोली ले लेनी है 3 टाइम, ठीक है। इंशाल्लाह इससे जो आपका पेट दर्द है ना, हाँ जी। दूसरे नंबर पे जी ये मीवा मीवा टेबलेट है, इससे मैबिग्रीन होता है। ये भी जो आपके पेट का दर्द है निचले हिस्से में उसको ख़त्म कर देता है। आपने इसको भी 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। और ये 15-16 रियाल का मिल जाता है आपको इजी, हर फार्मेसी से डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाता है। ये जो पहले वाला बस्कोपान उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको दर्द जो है वो आपके में जो आपका कोलोन का दर्द है जो आपका नाफ के एरिया में होता है, ये आपको हो सकता है गैस से हो सकता है आपको डायरिया हो या मोशन लगे हो, फिर भी हो सकता है। अगर आपका कोलोन में कोई मसला है तो उसमें भी हो सकता है। तो आपने इसको 3 टाइम लेना है, ठीक है, सुबह दोपहर और शाम में खाने के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद जी ये तीसरे नंबर पे ही है जी डिस्पुटालीन डिटार्ट। ये उन दोनों से स्ट्रांग है, आपने इसको 2 टाइम लेना है, सुबह में और रात में, ठीक है, हर 12 घंटे बाद आपने खाने के बाद लेना है। और ये उन दोनों से स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि ये 200 मिलीग्राम है, वो 135 मिलीग्राम है। तो आपका जो कोलोन का दर्द है, जो आपका पेट का दर्द है, इससे हल हो जाता है। लेकिन ये तो आपको वक्ती तौर पे आराम आएगा, लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई और मसला है तो आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। लेकिन ये आपको फर्जी तौर वक्ती तौर पे इससे आराम आ जाता है। ये आपको हर फार्मेसी से ईजिली मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर किसी भाई को और मेडिसिन के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।